नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुदगल और आज हम आपको एक प्रोजेक्ट कार्य जो बच्चों ने किया है कक्षा 5 में EVS के अंदर, तो EVS पढ़ाते समय प्रोजेक्ट कार्य और प्रयोगों का बहुत महत्व होता है, उन सभी के बारे में जो कि EVS के अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप करनी होती है। इसमें साइंटिफिक स्किल्स, ऑब्जर्वेशन, प्रयोग, विश्लेषण या तर्क शक्ति, तो वो सभी चीज़ों का आपको लेकर चलना होता है। तो उसी के अंतर्गत जब पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा और बीजों के अंकुरण के बारे में पढ़ा, तो बच्चों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क बच्चों के साथ करवाने हमको ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हमने, आप यहाँ देखोगे तो बहुत सारी कटोरियों के अंदर आपको बहुत सारे बीज मिलेंगे, जिसके अंदर आप देखोगे तो बीजों को अलग अलग कंडीशंस के अंदर अंकुरण को लेकर करवाया गया। जैसे बीजों को फ्रिज के अंदर रखा या बाहर रखा, हवा में या अंधेरे के अंदर रखा, तो उनके अंदर बच्चे इस तरह से प्रोजेक्ट कार्य करते हैं, जिसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो बीज रखा था वो केवल पानी और मिट्टी के अंदर बीज यहाँ रखा गया है, या खाद, पानी और बीज और मिट्टी साथ में रखी गई है। इसमें बीज, मिट्टी और पानी, इसमें बजरी और बीज, और इसके अंदर बीज और पानी, तो ये एक सेट है जिसमें डिफरेंट कंडीशन के अंदर बीजों का अंकुरण बच्चों ने करवाने की कोशिश करी है। क्योंकि इसके अंदर राई है तो इसको काफ़ी टाइम लगता है उगने के लिए, लेकिन अगर यहाँ आप सादा दूसरे बीज लेंगे तो यहाँ मूंग को उगाया गया है। मूंग को उगाने के लिए अंदर जो बीज और मिट्टी साथ में ली गई है तो बीजों का अंकुरण इस प्रकार से हुआ है। दूसरा, जब मिट्टी और पानी ज़्यादा उसके अंदर रखा गया है तो वो इस तरह से उसका है, लेकिन जब केवल उन्होंने खाद, बीज और पानी डाला है तो इस तरह से वो मूंग है, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। और बीज को जब बजरी के अंदर डाला है तो आप देख सकते हैं वो बजरी के अंदर बीज ऐसे कैसे ही मूंग अभी भी पड़े हुए हैं। और बीज और पानी, केवल पानी रखा है तो वो फूल जरूर गया है, थोड़ा अंकुरण हुआ है लेकिन पूरी तरह से उगा नहीं है। इन दोनों का कंपेरिजन हम देख सकते हैं, जब खाद, पानी और मिट्टी रखते हैं तो, और केवल पानी में रखते हैं तो क्या अंतर आ रहा है। इसी तरह से जब उन्होंने केवल मिट्टी में रखा और केवल उसको अंदर सूर्य के प्रकाश में रखा तो इस तरह से ये उगा है। इसी तरह से यहाँ पर गेहूं का रखा है तो सूरज के प्रकाश में खाद, पानी, मिट्टी के साथ रखा है तो उसमें कुछ अंकुरण तेजी से हो गया। केवल पानी में रखा है तो पानी यहाँ पे सूख गया है लेकिन बीजों का कोई अंकुरण नहीं हुआ। बजरी के अंदर बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, और बीज और मिट्टी के अंदर पानी नहीं दिया तो भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। ये इसके अंदर खाद और बीज है, इसके अंदर पानी, बीज और मिट्टी तीनों है, तो इसके अंदर भी काफ़ी बड़े गेहूं का अंकुरण हो गया है। इसी तरह से चने के अंदर भी हम देख सकते हैं, चने के बीजों को जो देखें, केवल आप मिट्टी में रखोगे, पानी नहीं डालेंगे तो इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ, केवल बीज रखेंगे तो कोई अंकुरण नहीं होता, और पानी के अंदर रखेंगे तो वो फूल गए लेकिन अंकुरण बहुत हल्का हो रखा है। केवल बजरी के अंदर रख रहे हैं तो भी अंकुरण नहीं है, और यहाँ पर देखेंगे तो जो मिट्टी है और पानी ज़्यादा रखा है तो वो इस तरह से सड़ गया है, लेकिन जब पर्याप्त खाद, बीज और पानी देंगे तो उनके अंदर अंकुरण तेजी से होता है। अंधेरे के अंदर जो बीज रखे हैं वो केवल उनके अंदर जड़ों का विकास हुआ, फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से एक प्रोजेक्ट बच्चे जब रोज इनका अवलोकन करते हैं, साथ ही वो इनका मेजरमेंट भी करते हैं कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, कितनी उसकी लंबाई बढ़ी, और सबका वो नोट करते हैं अपने अवलोकनों को कॉपियों के अंदर, और उन पर लगातार चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इस तरह से जब बीजों का अंकुरण होता है तो ये एक वो सारणी टेबल बनाते हैं जिसके अंदर वो रोज का वो लिखते हैं कि किस तरह से क्या होता है, पहले दिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, चौथे दिन क्या हुआ, इस तरह से वो करते हैं अंकुरण के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, और वो सारी चीज़ों का विश्लेषण उनके द्वारा किया जाता है। तो इस तरह EVS के अंदर प्रोजेक्ट वर्क हमको लगातार करानी चाहिए, बच्चों के साथ चर्चाएं करनी चाहिए, अवलोकन ऑब्जर्वेशन के मौके प्रयोग करें, उन्हें वो लिखें, जो आंकड़े आए उनका विश्लेषण करें, और विश्लेषण के आधार पर वो अपने नतीजों को लिखें। इस तरह से जो उनकी लर्निंग होगी वो आगे जाकर विज्ञान को पढ़ने में भी सहायक होगी, और वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा से वो सीख पाएंगे। धन्यवाद।